गुड मॉर्निंग, इट्स अ न्यू डे टुडे। आज परमेश्वर हमें कहना चाहता है मत डर। आइए हम उसके लिए एक वचन पढ़ते हैं, यशया की किताब उसका 41वां अध्याय और 10वां वचन। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। आमीन। प्रभु को धन्यवाद देते ये वचन के लिए। संजय प्रभु, आप प्रभु हमारा महान परमेश्वर है और प्रभु यहाँ पे कहता हमें कि मत डर। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके बच्चे डरे। परमेश्वर हमें यहाँ पे बोल रहा है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर हमें क्या कहता है कि वो हमारे संग है, इसके लिए हमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो हमारा कभी भी साथ नहीं छोड़ने वाला है, इसके लिए हमें डरना नहीं है, हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और आगे वचन यहाँ पे ये कहता है, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर बोलता है कि इधर उधर मत ताक। जब भी तू कोई भी समस्या में हो, हम कभी कभी कोई भी समस्या में आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम वो समस्या की तरफ देखते हैं, फिर हम लोग सोचते हैं कि किस तरीके से हम लोग ये समस्या से बाहर निकल सके, तो हम इधर उधर ताकना चालू कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारा परमेश्वर है और हम उसको भूल जाते हैं और हम क्या करते हैं, हम दूसरी चीज़ों के ऊपर अपना ध्यान लगाते हैं, लक्ष्य केंद्रित करते हैं और हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। तो प्रभु हमें क्या बोलता है यहाँ पे कि हमें इधर उधर नहीं ताकना है क्योंकि तेरा परमेश्वर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, ऐसा प्रभु बोलता है। तो हमें हमारे परमेश्वर पे भरोसा रखना है। जो भी मुसीबत आए, जो भी समस्या आए, हमें नहीं भूलना है कि परमेश्वर हमारा परमेश्वर है और वो इतना सामर्थ्यवान है कि वो हमें कोई भी समस्या से बाहर निकाल सकता है। तो हमें इधर उधर नहीं ताकना है, तो हमें कहाँ देखना है, हमारे परमेश्वर की ओर लक्ष्य केंद्रित करना है और हमें ये विश्वास बनाए रखना है कि परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। चाहे हम कोई भी मुसीबत में हो, वो हमारा परमेश्वर ही रहने वाला है। आमीन। और प्रभु हमें आगे बोलता है कि मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। परमेश्वर हमें क्या बोल रहा है कि वो हमें सामर्थ्य से भरेगा, वो हमें दृढ़ करेगा और हमारी जो भी समस्या है उसमें वो हमारी सहायता करेगा। और आगे परमेश्वर ये भी कहना चाहता है हमसे कि अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। आमीन। तो परमेश्वर उसके धर्म में दाहिने हाथ से हमें संभाले रखने वाला है। जो दाहिना हाथ है वो एक दर्शाता है एक आशीष। तो परमेश्वर बोलता है कि मैं तुझे अपने राइचियस दाहिने हाथ से संभाले रखने वाला हूँ, मैं तुझे आशीष देने वाला परमेश्वर हूँ, जो भी समस्या हो उसमें मैं तेरे साथ में रहने वाला परमेश्वर हूँ। तो हमें विश्वास रखना है, हमें भूलना नहीं, हमें इधर उधर नहीं ताकना है। तो हमें विश्वास रखना है हर एक समय में, भले हम संकट में हो या हम अच्छे दिनों में हो, हमें ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि परमेश्वर हमारा परमेश्वर है और वो हमारे साथ सदैव है, वो हमारी सहायता करता है, वो हमें दृढ़ करता है और हमेशा उसके धर्म में दाहिने हाथ से हमें संभाले रखता है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम आपके नाम के धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु सच प्रभु आपका वचन कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हाँ प्रभु हम विश्वास रखते पिता आप हमारे संग हो प्रभु। और प्रभु धन्यवाद देते प्रभु आपके वादे के लिए। प्रभु आपका वचन कहता है कि आप हमें दृढ़ करोगे पिता परमेश्वर। प्रभु आप हमारी सहायता करोगे पिता परमेश्वर। प्रभु और आपके धर्म में राइट जो दाहिना हाथ है पिता परमेश्वर, उससे आप हमें प्रभु संभाले रखोगे पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद दे प्रभु ये वचन के लिए पिता परमेश्वर। फिर से या एक बार प्रभु हमें याद दिलाने के लिए पिता परमेश्वर कि प्रभु आप हम पे प्रभु आपका आप हमसे प्यार करते हो प्रभु और चाहते हो पिता परमेश्वर कि प्रभु हम आप पे भरोसा रखें। प्रभु धन्यवाद दे प्रभु हर एक बातों के लिए। छोटी सी विनती जीवित यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।